मारतो मतलब हेलो एवरीवन, नमस्कार, वणकम, शास्त्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स 8 इन द मॉर्निंग, गांव में है तो गांव के तरीके से ही सुबह की स्टार्ट किया जाता है एंड दिस इज द व्यू। अक्षय, किशोर, सुशांत, सुशांत ये सब मत डाल, अरे स्टार्ट ही है यहाँ पे हमारे मेन भाई स्वप्निल। अभी जो जिसमें हम लोग नहा रहे थे वो वारना नदी है, नहा के हो गया, अभी जाना है ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करके फिर वहाँ से खेत में जाना है, वहाँ पे हम लोग आज फार्मिंग करने वाले। फार्मिंग यहाँ पे आने के बाद पता चला शुगर केन में भी दो टाइप के, मतलब उसमें क्वालिटी होता है, तो एक शुगर केन जो होता है वो इस साल लगाया उसका टेस्ट अच्छा होता है, और एक होता है जो पिछले साल उसके नीचे से ही जो आता है उसका टेस्ट कम रहता है, जूस ज़्यादा रहता है बट टेस्ट कम रहता है, तो हम लोग दोनों टेस्ट करने वाले हैं। खेत में जाएंगे, एक अलग खेत है वहाँ पर जाने वाले, ये उसका है और वहाँ पर किस चीज़ का खेती होता है, वहाँ भी भूईमूंग, भूईमूंग मतलब ग्राउंडनट्स का खेती होता है, अभी वहाँ पे जाएंगे और वहीं पे नज़दीक उनका अलग एक खेती है जहाँ पे शुगर केन का है, बिग शॉट है, बहुत बड़ा बिग शॉट है इधर का। सुशांत अभी तक एज पर प्लान सब अच्छा चल रहा है, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट होने के बाद हम लोग इसके खेती की, किशोर अपना सुशांत के खेती की तरफ जा रहे हैं, जाते हुए हमको पहले ये दिखा ये है ग्राउंडनट का खेती, और ये ग्राउंडनट कुछ अलग है, कुछ खास बात है इसमें, दिखा दो, ये ग्राउंडनट नॉर्मली ग्राउंडनट से कलर होते हैं ब्राउन, इसका भी ये सोचा ये भी सुखाने के ब्राउन ही होता है, ये कुछ नहीं ना, ये ग्राउंडनट का कलर देखो बेबी पिंक कलर, टेस्ट भी अलग है, तूने खाया क्या? अलग क्या है? टेस्ट करके देख। कले दो मिनट कले। ये दो आँख से ही टप्पा है। देख। पूरा रेड और बेबी पिंक कलर के ग्राउंडनट्स। मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया। अगर तुम लोगों ने किसी ने खाया रहेगा तो इसका तो टेस्ट तुमको पता ही चला होगा। तुम लोग रिलेट कर पाओगे। चले किशोर। बहुत ऐसा जूसी है, मतलब नॉर्मल ग्राउंडनट से। ग्राउंडनट का फार्मिंग किया, यहाँ पे अपन गए तो वहाँ से ग्राउंडनट लिया, ग्राउंडनट खाए और वहाँ से थोड़ा सा आगे आने के बाद एक आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे आने के बाद यहाँ पर अभी फ्लोइंग चल रहा है, उसके लिए उसका लोग है पुढे शेतामध्ये हरभरे पेरले, याच्यानंतर ते उगवणार बिना पाण्याचं, बिना पाण्याचं, हो पाणी पाणी नाही येतात, ओके ओके, हे आता हे जे सकाळी धुकं पडतं ना त्याच्या ह्याच्या ओल्यावर ते हे होतं हरभरा, हो हरभरा येतो बिना पाणी का खेती, बिना पानी मतलब इसका जो पानी का जो भी रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, कभी ठंडी का मौसम है तो ड्यू के वजह से वो जो फॉर्मेशन होता है ड्यू वो ही पानी से इसका ग्रोथ होता है, तो उसके वजह से अभी यहाँ पे प्लॉइंग हो गया, अभी ये यहाँ पे पूरा स्प्रेड करेंगे, उसके बाद इस चीज़ से इससे लेवलिंग करेंगे। एक बात है, यहाँ पे जब भी गांव में आते हो तो तुम लोग तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो जाते हो और वो कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम देता है, मैं इस चीज़ की आदत नहीं है ना, अभी गए वहाँ पे वो जो भी था प्लॉइंग के लिए सिर्फ एक ही राउंड, मतलब वो जो छोटा सा राउंड था उतना ही किया, पता नहीं बॉडी ऐसा बहुत डिहाइड्रेटेड जैसे हो गया। सुशांत, अक्षय, किशोर, मेरा जगह वहाँ पे बीच में, मैं भी यहाँ पे सोने वाला, एक डेढ़ घंटा यहाँ पे सोएंगे, लंच करेंगे और फिर निकलेंगे।
हम लोग वहाँ पे सोने के लिए पूरा सेटअप वेटअप सब करके एक मिनट या मैक्स दो मिनट सोए रहिए। जब खड़े थे तभी ठंडा हवा आ रहा था, जब चल रहे थे ना जब हल्की थे तभी हवा आ रहा था। सोना नहीं बोलते फिर अभी हम लोग जा रहे सीधा सुशांत के घर पे, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि थोड़ी देर रेस्ट लेते क्योंकि हमको गाड़ी भी चलाना है ना, तो यहाँ पे तो सो नहीं पाएगी बिल्कुल भी। सुशांत के घर पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे। गांव में आए, गांव का खेती हो गया, एडवेंचरस राइड हो गया और लद्दाख का एक छोटा सा मिनी वाटर राइड भी हो गया। जितना अक्षय अपना बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वो जो राइस के बारे में बोलते हैं, राइस यहाँ पे क्लीन करते ला के, वो यहाँ पे आगे चल रहा है। आप तो चलते हैं, मेरे को है डस्ट का एलर्जी तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे निकाल के तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुमको दिखाने के लिए आया यहाँ। ये ऐसे करके इसका जो वेस्ट है, अभी तो यहाँ पे हवा है उसकी वजह से, हवा की वजह से उसका वेस्ट सब उड़ रहा है और ये वेस्ट यहाँ पे ऐसा जमा हो गया है और वहाँ पे राइस गिर रहा है। जैसे सामने जो छोटा फैन दिख रहा है ना, वो फैन जब विंड नहीं रहता तो उस टाइम पे वो फैन को यूज़ करते वेस्ट दूर करने के लिए। एक घंटे के आसपास मस्त एक नया प्लेयर अभी फ्रेश हो गए तो यहाँ पे खाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो यहाँ पे अभी ऑमलेट बना रहे थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक चीज़ देखा, ऑमलेट, यहाँ पे एक मुर्गी थी उसने फर्स्ट टाइम अंडा दिया और वो अंडा है एक सा मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो सर तूने देखा इतना छोटा अंडा देखा है? मैं ये सोच रहा अभी ये अगर अंडा हैच होगा तो इसमें से चिक निकलेगा या नहीं। हाँ आंटी, हाँ हम लोग पेटना किसे जाएगा ना, तो सुशांत वहाँ से राइट लेगा, हम लोग लेफ्ट लेके जाएंगे। राइट नहीं, वो सीधा जाएगा। सीधा जाएगा क्या? तब एक साथ ही जाएंगे हाईवे से, मैं वो नीचे से जाएगा सामने, साइड को जाऊंगा और तुम लेफ्ट मारना। ठीक है चलेगा, ओके आंटी चलो बाय बाय बाय। अज्जी बाय आइए बाय। हाँ हाँ करेंगे, पहुँचते ही फोन कर दो। चलो बाय। चलो What a home-like feel it was. Seriously, a wonderful feeling. मतलब ऐसा लगा कि एक एक moment ऐसा नहीं था कि जहाँ पे हमको लगा नहीं कि हम हमारे घर नहीं है। सुशांत की मम्मी वो तो सुशांत के जैसे ही हमको ट्रीट करती है, शायद सुशांत को जैसे ट्रीट करते उससे भी ज़्यादा हमारा केयर किया। हर एक जन, इट वॉज अ ब्रिलियंट 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 फीलिंग। अभी हम लोग निकले हैं कोल्हापुर से पुणे, बट इसके पहले हमको एक चीज़ करना है, वो है ट्रैक्टर के साथ। हाँ 4:30 हुआ है, हमको भी पहुँचते हमको कुछ भी करके 5 घंटे लगेगा, 10:30 तो बजेगा ही अगर कहीं स्टॉप नहीं लिया तो भी। अब इधर तक आया है और ट्रैक्टर नहीं चला है, वो भी इतना अच्छा नहीं लगे, तो सोचे कि अभी यहाँ तक आया है तो भाई एक राउंड तो बनता है। और स्वप्निल ऐसा एक बंदा है, स्वप्निल हम ये सब करें ऐसा स्वप्निल चाहता है। कल बैलगाड़ी चला रहे थे तो स्वप्निल चाहता था कि मैं खुद करे, अभी ट्रैक्टर का भी वो खुद बोला कि भाई चल चल चल। उसने एक अलग ये दिखाया, मतलब यार फर्स्ट टाइम मिला है उसने भी, बंदे ने कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि नहीं पहले बार है कोई कुछ नहीं, बहुत जल्दी मिंगल हो गया हमारे साथ और हम सबसे बहुत 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 अच्छे से रह रहा था। अरे वो बंदा मतलब खुद होके कर रहा है सबने क्या, अभी ये ट्रैक्टर का भी बोला रुक, जाते जाते ही बोला क्या करना करना है, और उसका थोड़ा ये हुआ अपन जा रहे हैं तो उसको बहुत बुरा लगा। सच्ची यार गांव के बंदे बहुत मस्त है ये तो नहीं बोल सकता मैं, ये बंदा बहुत अच्छा है। कुछ टेंशन ही नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए, मतलब कहाँ भी डालो कैसे भी घुमा लो।
चल दादा, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत दिल से लगा है बंदा, बहुत दिल से, सच्ची। व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पीपल, सीरियसली गांव के जो लोग होते हैं, मतलब बच्चों के जैसा दिल होता है, मतलब उनको ये पता नहीं, चालाकी मतलब चालाक नहीं होते, मतलब दिमाग है उनको बट चालाक नहीं होते, मतलब एकदम भोले लोग हैं। मैं मतलब सच में बोल रहा हूँ, हमारे गांव में कोई ऐसे भोले लोग से मैं आज तक मिला नहीं हूँ, तो मुझे कभी पता नहीं था वो भाई, लेकिन आज जब इनसे मिला मैं इधर, मतलब इधर जितने भी लोग हैं, हर एक फैमिली एक अलग फील आता है। अभी जब सुशांत के घर के यहाँ से जब निकले, तो वो जब उसके घर पे थे, तो वो सब लोग हमको सेंड ऑफ करने के लिए आए थे एक दिन के लिए, सब बोल रहे थे मत जाओ रुक जाओ। उन्होंने हमारे लिए तीन टाइम इतना मेहनत किया, वो लोगों ने हमारे लिए अलग से खाना बनाया, जो वो लोग कल बनाने वाले भी नहीं थे वो सब चीज़ें हमारे लिए बनाया, जो घारी रताऊ का घारी, फिर बाद में एक अलग डिश था वड़ा, उस तो है ठीका वड़ा कुछ बोलते हैं उसको, तो मेरे पिछले वीडियो जिसने देखा है उसको पता होगा, जो बहुत बहुत अच्छा था। मतलब यार ऐसा प्यार बहुत कम मिलता है, बहुत कम ऐसा देखने मिलता है। थैंक यू सो मच सुशांत, हमको यहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा हमको सबको, स्पेशली यार पता नहीं स्वप्निल बहुत ऐसा दिल के करीब बैठे, एकदम देखिए दिल में एक जगह ले लियो बंदे ने, बहुत बहुत सही बंदा है। अब हो गया हमारा कोल्हापुर का सफ़र ख़त्म, शाम के बजे 5 और हम निकले हैं पुणे के लिए। अब पुणे जाने के लिए पेट नाके से जाएगी हम लोग, जैसे मैंने बोला कल हम लोग जब आ रहे थे तो हमारा रास्ता गलत हो गया था, जो रास्ता अच्छा था, रोड अच्छा था, थोड़ा बहुत ख़राब था, बट एज कम्पेयर टू अदर टू रोड्स पेट नाका वाला रोड वॉज मच बेटर। तो हम अभी जाएंगे वहीं से, सुशांत पेट नाके से जा रहा है सांगे, उसको कुछ काम है तो वो वहाँ से जाएगा राइट या सीधा, जहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया था, वो रिवर बाउंड्री है सांगई का और कोल्हापुर का शायद, तो वो रिवर क्रॉस किया तो सांगई पहुँचते, सांगई एरिया है और इस बार कोल्हापुर है, तो सुशांत को जाना है सांगई, तो मैं उसको बोला भाई नदी से तैर के जा, लेकिन उसको अभी यहाँ से 110 किलोमीटर गई तो जाना है सांगली में, उसके बाद वो रिटर्न आएगा। हमारे प्लान के अनुसार ही सब कुछ हो गया, सुशांत ने हमारा जो भी इच्छा था पूरा कर दिया, प्लान के हिसाब से नहीं बोल सकते, प्लान जो किया था उससे ज़्यादा ही सब कुछ हो गया यहाँ पर। ब्यूटीफुल सन, ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे सब ब्यूटीफुल है यार, मतलब गांव, मतलब एकदम गांव को एकदम इन डेप्थ वाली फीलिंग थी यहाँ पे, खेड़े गांव जो बोलते हैं। सुशांत इज अ वेरी लकी पर्सन टू हैव सच अ ब्यूटीफुल फैमिली, जान देते सुशांत के भाई लोग उसके लिए, और उतना ही प्यार वो बंदा, मतलब जो भी उसके भाई लोग थे सबसे यार, सब उसके भाई लोग ये, बट सबसे ज़्यादा करीब स्वप्निल रहा है हमारे सबके साथ, वो बहुत मतलब उसे पता नहीं उसने बहुत किया हमारे लिए बहुत। अभी आज उसका बर्थडे था जैसे मैंने बोला, तो उसके लिए वो हमको छोड़ ही नहीं रहा था पहली बार, अरे हाँ ये जो चीज़ है ये कल मेरे को पता नहीं था ये क्या है, आज जब गया मेरे को पहले लगा कि घास काट के ला के रखा है सुखा रहे, मतलब बैल को या फिर गाय को देने के लिए, ये है राइस के, ये है मतलब जो राइस जहाँ पे उगता है उसके बाकी का, तो इसमें से राइस निकालते ये लोग, उसके बाद जो बाकी का आता है उसको वैसे बनाते हैं, तो ये देखो ये ऐसे इसमें से राइस अलग करते हैं, ये सब जो ये नीचे जो पड़ा है ये सब राइस है, इसका क्या करते रहिए, पूरा वेस्ट होता रहेगा या फिर ये भी कलेक्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत पड़ा है ऐसे, अगर देखा जाए यहाँ से अगर उठाएंगे तो कम से कम 20-30 किलो तो ऐसे ही उठ जाएगा, और दोनों साइड पे। ये पहुँच गए हम लोग पेट नाका, अभी यहाँ से सुशांत जाएगा सीधा, हम तीनों जाएंगे लेफ्ट, ये अभी NH4 पहले जाएंगे पेट्रोल भरेंगे और उसके बाद नॉन स्टॉप। पेट नाके के वहाँ से निकले, पेट्रोल भरे और फिर वहाँ पे हम लोग कहीं भी स्टॉप नहीं लिया, अभी सीधा यहाँ पे है केड़शिवापुर के टोल नाके के आगे गिरानी चाय वाले, मस्त गिरानी चाय, ये हमारा दूसरा राउंड है। अच्छा बहुत अच्छा, वैसे अभी क्रीम, तू क्या क्रीम रोल बन मस्त का था वो लिया रहता ना फिर, क्या बोल रहा ये तो बताइए, गोल गोल होते जा रहा रोल 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 रोल, अभी चाय पिएंगे और फिर यहाँ से फटाक से घर पे, अभी तो कहीं नहीं रुकेंगे, अभी ऑलमोस्ट रुकने जैसा कुछ है भी नहीं, अभी एक घंटे में तो हम लोग हमारा घर पहुँच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक करना और वो कीजिए जो तुम्हें पसंद है, डू व्हाट यू लाइक, नेवर लिसन टू एनीवन, लिव योर लाइफ द वे यू वांट, अंटिल देन दिस इज पुणे गवर्नेश साइनिंग।